हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिंस और आप देख रहे हो टेक सीजर। मेरे पास है यहाँ पर रियलमी का GT Neo 2, आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पर जो कि बजमी अपडेट कर दिया है 2.0, मैं एक बार आपको ताकि प्ले स्टोर पर दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको एक बार कन्फर्म हो जाएगा। कहाँ गया प्ले स्टोर? प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे बजमी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब अपडेट कर लिया है। बैटरी अगर मोबाइल नए लोग आ चुका है वो, और वहाँ पे बात करेंगे अगर अपडेट के बारे में, तो जो मेन था वो है बजमी एक्स। देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑफिशियल लिबिक मैप। यहाँ पर मतलब लिबिक मैप में ज़्यादा यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलता है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब लाइक से ज़रूर करना है, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या आपको अपडेट के बाद इसमें एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम के आगे क्या कोई और ग्राफिक्स देखने को मिलता है, क्या 90 FPS देखने को मिलता है। आप तो थंबनेल देख के आ गए होंगे, लेकिन मैं अंतर बताने वाला हूँ कि क्या 60 FPS से ज़्यादा मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम जैसे ही चलेंगे तो पहले आपको दिखा दे रहे, अगर हम गेम समझाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पजमी का नया लोगो आ सकता है। गोल्डन कलर एक बार पास दिखा दूँ, गोल्डन कलर का हो चुका है। और यहाँ पर जाएंगे हम जैसे गेम में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और सब ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, अब देख सकते हैं मैंने ब्राइटनेस भी बढ़ा चुका है और मतलब फुल ब्राइटनेस पे चल रहा है। मैं इसे ऑटो कर देता हूँ गाइस, ऑटो तो देख सकते हैं ऑटो में कर दिया हूँ। और अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार सेटिंग जाके ग्राफिक्स, तब देख सकते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे अभी भी आपको ग्राफिक देखने को मिलता है। और बैलेंस पे भी यहाँ पर एक्सट्रीम मिलता है, HD पे भी एक्सट्रीम, HDR पे भी एक्सट्रीम, अल्ट्रा HD मैं अभी डाउनलोड नहीं किया हूँ। तो यहाँ पर HDR एक्सट्रीम तक आप खेल सकते हैं। आज खेलेंगे स्मूथ एक्सट्रीम और क्या बीच में हम GT मोड भी ऑन करेंगे, देखते हैं 90 FPS मिलता है कि नहीं। तो वीडियो को लास्ट देखना। तो हम जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक मैच TDM का। और गाइस काफ़ी यहाँ पर मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या होता है TDM मैच। और गाइस, आप तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्दी से हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरा करवा दो। आप लोग को पक्का कुछ गिव्यू आने वाला है और मैं अपना GT Neo 2 ही गिव्यू करने वाला हूँ, प्रॉमिस है वो करने वाला हूँ। अब देख सकते हैं गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बढ़िया चल रहा है। गाइस मैं ऐसे तो मतलब खेलता नहीं उतना बॉट हूँ, आप लोग कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑन कर देता हूँ इसका, यहाँ पर सिस्टम स्टेटस। आप सिस्टम स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, आपको पता चल जाएगा देखने के लिए। एक बार मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। हम देख सकते हैं यहाँ पर 60 FPS और CPU जो है देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो हम जाएंगे गाइस, कैमरा फोकस कर ले एक बार, तो देख सकते हैं कैमरा फोकस कर लिया गाइस। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा 20 या 15 के अंदर फ़ोन है जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और गाइस अभी तक तो आप देख सकते हैं जो FPS है वो देख सकते हैं जो FPS अभी तक तो 60 पे ही चला है, ठीक है 60 पे ही चला है यहाँ पर अभी तक, 90 FPS नहीं गया। GT मोड में मारने वाले हैं, ठीक है GT मोड भी मार देंगे और ये भी देखेंगे क्या 90 FPS जाता है कि नहीं। अगर इस अपडेट में नहीं आया 90 FPS तो कभी अपडेट में नहीं आया, क्योंकि ये तो बजमी का ऑफिशियल अपडेट है। रियलमी अपडेट जैसा तो चले मान सकते हैं, लेकिन बजमी का भी स्पेशल अपडेट है, इसमें तो इसको देना चाहिए, समझे, इसमें इसको देना चाहिए। तो गाइस हम चलिए अब हम GT मोड मार के मतलब ऑन करके देखते हैं। सॉरी यहाँ पर चलते हैं, परफॉर्मेंस सेटिंग में जाएंगे और GT मोड यहाँ पर आप देख सकते हैं GT मोड एक्टिवेट कर दिए हैं। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लोगों, यहाँ पर एक बार कैमरा फोकस करो भाई, इसे फोकस करो तो दिखा दो आपको। देखिए GT मोड, ठीक है कैमरा को फोकस आउट करो, यहाँ पर GT मोड ऑन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं GT मोड ऑन करने के बाद भी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, 61 FPS जा रहा है लास्ट।
देख सकते हो 60 FPS मतलब 90 FPS का सपोर्ट गाइस अभी तक नहीं मिलता है। और गाइस बैटरी फ़ोन तो उतना हीट नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं मिला यहाँ पर। और बात करें बजमी 2.0 की यहाँ पर अपडेट के बारे में, तो ये अपडेट मेरे को उतना खास नहीं लगा, काफ़ी सारे बग्स हैं, ठीक है। मैं को बग्स अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, बजमी 2.0 का काफ़ी सारे बग्स उनको मिलते हैं। और क्या बात, मतलब जो इसका टोटल अपडेट था वो था 1.3 GB का, और मैं इसको अपडेट किया, मेरे को बहुत ही सारे बग मिले हैं और अभी तक 90 FPS नहीं मिला है। मतलब आपको GTA Neo 2 में भी 90 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। आज मैं कन्फर्म कर दे रहा हूँ वहाँ पर। तो आपके लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।